कांग्रेस सांसद अधीर रंजन बोले, लगता है कि कश्मीर में रामराज आ गया है। कश्मीर में कौन से हालात सामान्य हुए हैं? हमारे नेता राहुल गांधी को वहां नहीं जाने दिया जाता है। हिरासत में लिए गए नेताओं को कब छोड़ा जाएगा? वहीं इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि जहां तक कश्मीर की जनता है वहां पूरी तरह स्थिति नॉर्मल है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति नॉर्मल नहीं लगती है। कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। रात 12 बजे मतदान के बाद बिल पास किया गया। लोकसभा में बड़े अंतर से पास हुआ है ये बिल। बिल के पक्ष में 311 और विपक्ष में कुल 80 वोट पड़े हैं। अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल पर लोकसभा में अमित शाह के भाषण की पीएम मोदी ने तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में विस्तार से बताया। मैं इसके लिए अमित शाह की तारीफ करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से पास हो गया है। इस विधेयक पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा की गई। मैं सभी सांसदों को समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। इस बिल में संधियों से चली आ रही भारतीय परंपरा और मानवीय मूल्यों में विश्वास की झलक दिखती है। वहीं क्या बिल लोकसभा में पास होने पर आजम खान ने कहा, लोकतंत्र में दिमाग नहीं सिर गिने जाते हैं। आजम खान ने सत्ता पक्ष को नसीहत दी है और कहा, अगर ऑपोजिशन सही बात करता है तो उसे ना सिर्फ सुननी चाहिए बल्कि मान भी लेनी चाहिए। असुद्दीन ओवैसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, आधी रात के समय जब दुनिया सो रही थी, भारत की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारावाद और न्याय के आदर्शों के साथ धोखा किया गया। मैं इसके खिलाफ कड़ा संघर्ष किया हूं और मैं हर भारतीयों से वादा करता हूं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। निराश को अपने करीब मत आने दीजिए, निडर और मजबूत रहिए। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, सीएबी भारतीय संविधान पर हमला है। जो भी इसका समर्थन करता है वो हमारे राष्ट्र की नींव को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हमारा संविधान, हमारी नागरिकता, एक मजबूत और एकीकृत भारत के हमारे सपने हम सभी के हैं। हम अपने संविधान को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने के लिए इस सरकार के एजेंडे के खिलाफ लड़ेंगे और उस मूल आधार को नष्ट भी कर देंगे जिस पर हमारे देश का निर्माण हमारी सभी शक्तियों के साथ हुआ था। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर भारत की लोकसभा में पास हुए नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया है। इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा, भारत की लोकसभा द्वारा जो नागरिकता बिल पास किया गया है उसका हम विरोध करते हैं। ये कानून पाकिस्तान के साथ विपक्ष समझौते और मानवाधिकार कानून का उल्लंघन करता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है जिसे अब मोदी सरकार लागू कर रही है। नागरिकता बिल के खिलाफ असम में बंगाल तक बवाल लगातार मचा हुआ है। इसके विरोध में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ में परीक्षा रद्द कर दी गई। बिल के खिलाफ सड़कों पर पूर्वोत्तर राज्यों के लोग विरोध करते दिखे। सीएबी बिल के विरोध में रात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बिल की प्रतिक्रिया जलाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए हिंदुत्व मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन ने इस बिल को मुसलमान विरोधी बताते हुए राज्यसभा में इसे पास न होने की अपील की है। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में लेफ्ट पार्टी भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेफ्ट विंग की पार्टियों ने हाथों में अपने संदेश छपे पेपर लेकर नारेबाजी की, साथ ही इस बिल को वापस लेने की मांग उठाई है। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करने वाली शिवसेना ने बड़ा फैसला लिया है। शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा कि लोकसभा में बिल का समर्थन करने के बावजूद भी राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर हम अलग विचार कर सकते हैं। राज्यसभा में शिवसेना के 3 सदस्य हैं। लोकसभा से आर्म्ड अमेंडमेंट बिल 2019 को मंजूरी मिली है। बिल में अवैध हथियारों के निर्माण,
बिक्री आयात निर्यात से जुड़े अपराधों में सजा को बढ़ावों का प्रावधान दिया गया है। आज राज्यसभा में आर्म्स अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे। गुजरात विधानसभा के पहले ही दिन सोमवार को निर्दलीय विधायक जिग्रेश मेवानी को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई, लेकिन सत्र शुरू होने के साथ ही वड़गाम से निर्दलीय विधायक जिग्रेश मेवानी को विधानसभा अध्यक्ष राजन द्विवेदी ने 3 दिन के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। निर्भया गैंगरेप का दोषी तिहाड़ जेल में शिफ्ट हो गया है। विनय शर्मा को मंडौली से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया। मुकेश पवन अक्षय पहले से तिहाड़ जेल में बंद है। जेल प्रशासन को राष्ट्रपति के फैसले का अभी इंतजार है। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी शर्मनाक बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया नहीं, अब रेप इन इंडिया है। हिंदुस्तान रेप इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है। देश में हर दिन 106 रेप की वारदात हो रही है। गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी समेत कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन भी रहेंगी मौजूद। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में धीरे धीरे शिक्षा की स्थिति सुधर रही है। लखनऊ में अटल जी की विशाल मूर्ति लोक भवन प्रांगण में स्थापित की गई है। 25 दिसंबर को होने वाले भव्य कार्यक्रम में मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। दरअसल 14 दिसंबर को पीएम कानपुर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी मूर्ति का अनावरण कर सकते हैं। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय से डॉक्टर फिरोज ने इस्तीफा दे दिया है। सोमवार देर रात डॉक्टर फिरोज खान ने अपना इस्तीफा सौंपा था। डॉक्टर फिरोज खान अब कला संकाय से काम करेंगे। हालांकि अभी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। शिवसेना ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर सामना में सवाल उठाते हुए कहा, सामना में ये लिखा है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, अर्थव्यवस्था बीमार पड़ गई है, देश की अर्थव्यवस्था को लकवा मार दिया गया है, जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में जोरदार पतझड़ जारी है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। प्याज की कीमत 200 रुपए किलो हो गई है। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर पाबंदी लगाने के लिए एक बिल लाने की तैयारी में है, जिसमें बलात्कार के दोषियों को 21 दिनों में फांसी की सजा दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार 11 दिसंबर को इस बिल को राज्य विधानसभा में पेश कर सकती है। यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आदेश जारी किया है। डीजीपी ने कहा, रात में महिला को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सेवा शुरू की गई है। यूपी में पुलिस रिस्पांस व्हीकल अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच महिलाओं को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगी। रात के समय कोई भी अकेली महिला यूपी पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 डायल करके पीआरवी को बुला सकती है। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर डिफेंस एक्सपो 2020 में होने वाले शो की जगह में बदलाव किया गया है। खाटू श्याम मंदिर के पास की जमीन पर सेना के टैंकों का प्रदर्शन नहीं होगा। हरियाली को बचाने के लिए अब ये शो हनुमान सेतु मंदिर के पास मौजूदा खाली जमीन पर किया जाएगा। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एनएसयूआई पूरे देश में छात्र अधिकारी रैली निकालेगी। सोमवार को जेएनयू के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मार्च निकाला था। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर एक बार फिर शक्ति दिखाई है और पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने ताजा रिपोर्ट तलब किया है। इसके साथ ही शीघ्र अदालत ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में ढील देते हुए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्माण कार्य की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों को लेकर ये ढील केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस रिपोर्ट के आधार पर दी है, जिसमें रात में निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी करने पर जोर दिया गया था।
ग्रेटर नोएडा में एम्बुलेंस और दूध की गाड़ी से नकली शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है और एम्बुलेंस समेत 6 वाहन बरामद किया गया। वहीं लखनऊ में रेप का मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने अपने ही गांव में रहने वाले युवक पर रेप का आरोप लगाया है, जिसको देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही जांच भी कर रही है। भागलपुर के जगदीशपुर में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने टक्कर मारने वाले ट्रक समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई वाहन में तोड़फोड़ भी की गई है। अलीगढ़ में सगाई समारोह से लौटते वक्त तेज रफ्तार कैंटर बिजली के पोल से टकरा गया। भीषण टक्कर के बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं करीब 33 लोग गंभीर रूप से घायल है। सूचना पाकर पुलिस ने घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया है। सोमवार की सुबह रांची में जवान विक्रम आदित्य राजवाड़े ने 2 अधिकारियों को गोलियों से छलनी कर दिया। देर रात गोमियों में सीआरपीएफ के जवान दीपेंद्र यादव ने अपने 2 सीनियर को गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के मुताबिक रांची की घटना विवाद को लेकर हुई 2 गोमियों की घटना के पीछे छुट्टी नहीं मिलने का कारण सामने आया है। इन 2 घटनाओं ने सुरक्षा बलों के बीच बढ़ रहे तनाव को सामने ला दिया है। नोएडा के सेक्टर 30 स्थित डीपीएस स्कूल की प्रधानाचार्य समेत 3 के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। दरअसल डीपीएस में काम करने वाले बसंती देवी का शव स्कूल परिसर में संदिग्ध हालत में मिला है, जिस पर महिला के पति ने इन सभी पर हत्या का आरोप लगाया था। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। भारतीय स्टेट बैंक के बाद अब एचडीएफसी ने भी मार्जिनल कास्ट ऑफ लोडिंग रेट में कटौती कर दी है। इसमें ग्राहकों को फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें सस्ते में लोन मिलेगा। एचडीएफसी में एमसीएलआर में 15 बीपीएस तक की कटौती की गई है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार नए दरें रात 7 दिसंबर 2019 से लागू हो गई है। कटौती के बाद 6 महीने का एमसीआरएल अब 8% हो गया है। सोने के गहनों की हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से होगी, अनिवार्य हो जाएगी, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में सोने की शुद्धता को पहचानने और हॉलमार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आंकड़ों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत लक्षद्वीप में भी 1 गोल्ड हॉलमार्किंग के सेंटर नहीं दिखे हैं। यस बैंक कनाडा के अरबपति का निवेश ठुकरा सकता है। इस खबर का असर बैंक के शेयर पर देखने को मिला और सप्ताह के दूसरे दिन शुरुआती कारोबार में 2% से ज्यादा की गिरावट आई है। दरअसल यस बैंक 2 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाने की योजना पर काम कर रहा है। बैंक को इस रकम का बहुत बड़ा हिस्सा कनाडा के अरबपति अरविंद सिंह बहराइच से मिल रहा है, लेकिन अब खबर है कि बैंक इस ऑफर को ठुकरा सकता है। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 33 अंक टूट गया। विदेशी निवेशकों द्वारा ताजा निवेश के बीच निजी बैंकों, आईटी और वाहन कंपनियों के शेयरों में गिरावट से सेंसेक्स नीचे आ गया है। शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 33.77 अंक के नुकसान से 40,553.76 अंक पर कारोबार कर रहा था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी शुरुआती कारोबार में 11 अंक के नुकसान से 11,926.50 अंक पर था। पेट्रोल और डीजल के भाव आज पहले जैसे ही बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल का भाव अपने पुराने स्तर 75 रुपए पर ही बिक रहा है। वहीं डीजल भी यहां कल के ही भाव में 66.04 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। आज सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। आज सुबह 10:54 पर एमसीएक्स पर 5 फरवरी 2020 के सोने के वायदे भाव में 5 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही थी। इस गिरावट से 5 फरवरी 2020 का सोने का वायदा भाव 37,578 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था।
चांदी की बात करें तो एमसीएक्स एक्सचेंज पर 5 मार्च 2020 का चांदी का वायदा भाव आज सुबह 10:59 पर 36 रुपए की गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहा था। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब रूस अगले 4 साल तक किसी भी प्रकार के मुख्य खेल आयोजनों में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पुतिन ने वाजा के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि यह ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन है। रूस के पास इस फैसले के खिलाफ अदालत जाने के सभी कारण मौजूद है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार भड़काऊ भाषणों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई है। उत्तर कोरिया ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नासमझ और खुशामंद पसंद बूढ़ा बताया। उससे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया था कि शत्रुतापूर्ण हरकतें और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित कर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन दोनों नेताओं के बीच के विशेष संबंध का परित्याग नहीं करना चाहेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बोरिस का विवाद से पुराना नाता रहा है। इस बार उन्होंने एक पत्रकार का फोन छीनकर अपनी जेब में रख लिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना की जा रही है। 5 साल की उम्र में ईरान से ब्रिटेन पहुंची अली मिलानी अब ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गए हैं। चुनाव में ब्रिटेन के मौजूदा पीएम बोरिस जॉनसन के लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ा खतरा बनकर सामने खड़ा है। पश्चिम लंदन की यूकब्रिज और साउथ यूरोपियन संसदीय सीट से मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी ने उनको चुनाव में उतारा है। जॉनसन 2015 से इस सीट से सांसद हैं, जबकि अली इस सीट पर खुद को स्थानीय उम्मीदवार के रूप में पेश कर चुके हैं और उनके प्रचार में बड़ी संख्या में युवा जुट रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने तुर्की में अफगानिस्तान को लेकर चल रहे क्षेत्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के भाषण का सोमवार को बहिष्कार किया। मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक कुरैशी ने कश्मीर में स्थिति को लेकर विरोध जताते हुए सिंह के भाषण का बहिष्कार किया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारतीय अमेरिकियों ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी की भी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले 20 साल में अमेरिका में हुए सभी आतंकवादी हमलों में 90% से अधिक में पाकिस्तान का हाथ रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया के सबसे चौथे वाटरफॉल विक्टोरिया वाटरफॉल पर भी दिख रहा है। दुनिया का सबसे चौड़ा वाटरफॉल विक्टोरिया वाटरफॉल आधे से ज्यादा सूख गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्टोरिया वाटरफॉल 50% से ज्यादा सूख गया है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा विभाजन का काम करने वाले विक्टोरिया वाटरफॉल में पानी की कमी की बात पहले भी सामने आ रही थी। टेस्ट क्रिकेट में नाबाद 400 रन बनाकर इतिहास रचने वाले ब्रायन लारा ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ब्रायन लारा का कहना है कि उनके 400 रनों के रिकॉर्ड को भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं। इससे पहले उनके रिकॉर्ड के करीब ऑस्ट्रेलिया के डेविन वार्नर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज नासिर जमशेद को T20 स्टॉक फिक्सिंग मामले के साथ क्रिकेटरों को रिश्वत देने की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया। दो अन्य व्यक्तियों यूसुफ अनवर और मोहम्मद एजाज ने PSL खिलाड़ियों को रिश्वत की पेशकश की बात कबूल ली है। तीनों की सजा फरवरी में तय की जाएगी। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर बेस्ड फिल्म छपाक का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मूवी में दीपिका पादुकोण लीड हीरोइन है और एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल निभा रही है। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी फिल्म में दीपिका के ऑपोजिट विक्रांत मैसी है, जो कि एक अहम रोल में दिखेंगे। छपाक के ट्रेलर को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। टीवी के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतुर्थ पेरेंट्स बन गए हैं। दरअसल गिन्नी ने बेटी को जन्म दिया है। आज सुबह ही कपिल शर्मा ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी बेटी हुई है, आपके आशीर्वाद की जरूरत है।
सभी को प्यार। कपिल के ट्वीट के बाद फैंस उन्हें बधाई देने लगे हैं, जो कि कपिल शर्मा के घर आई नन्ही परी है।